अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास यूंगर के ब्रिज नुमा सर्किट होता है, जिसमें हम फोर रेजिस्टर्स फेस कॉम्बिनेशन के तहत जोड़ देते हैं। इसमें एक दो लाइंस और भी हमने लगानी है, इसमें गलवानोमीटर को अटैच करते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो काम होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। हम इसकी मदद से किसी अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, हमारे पास लेबोरेटरी में स्लाइड वायर ब्रिज है, कैरी फास्टर ब्रिज है, हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। ये हमारे पास इसकी थ्री प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रहे होते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के हमारे पास ये प्रैक्टिकल्स हैं, जिनका बेसिक प्रिंसिपल यही व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है। और दूसरा हमारे पास ये कैरी फास्टर ब्रिज है, ये भी थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में, ग्रेजुएट लेवल के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में देखें, इसमें फोर रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4। इनको हमने टर्मिनल ए बी सी और डी इस कॉम्बिनेशन के तहत जोड़ दिया है। हमने ए और सी के दरमियान हमने बैटरी लगा दी। मैं बैटरी की की को क्लोज कर देता हूं, यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। यहां पे हम ले लेते हैं हमारे पास ये गलवानोमीटर। हम बी और डी के दरमियान यहां पे क्या लगा देते हैं, ये गलवानोमीटर, और गलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को मैं ले लेता हूं, ये हमारे पास आरजी है। अब हमारे पास थ्री लूप्स हैं। हम थ्री लूप्स में से जब भी हम सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो सर्किट एनालिसिस की बुनियादी सी बेसिक्स है, उसमें टॉपिक है, कंसेप्ट है कि हम उसमें से जो करंट की डायरेक्शन है उसको सपोज करते हैं, और जितनी भी लूप्स हैं सभी में से करंट की सेम डायरेक्शन को सपोज करते हैं। तो मैं यहां पर सपोज कर देता हूं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। यहां से जो करंट है उसको हम कह देंगे I1। यहां से जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास I2। फर्स्ट लूप कौन सी है, बी ए डी बी। सेकंड लूप है सी बी डी सी। और थर्ड लूप हम ले लेते हैं ए, यहां से होते हुए सी डी और फिर ए। थर्ड लूप हमारे पास ये थर्ड लूप है, इसमें से करंट कितना है I3। तो हम थ्री लूप्स के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। हमने मालूम क्या करना है, पहले तो हम देखते हैं कि ब्रिज बैलेंस कैसे होगी, हम इसका फार्मूला भी डिराइव करते हैं, और इसके बाद हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे। अगर मैं लूप इक्वेशन लिखूं, लूप इक्वेशन फॉर द लूप, किस लूप के लिए हम लिख देते हैं बी ए डी बी। हम बी से स्टार्ट करते हैं, बी ए डी बी। और लूप इक्वेशन सेकंड किरचॉफ सेकंड रूल है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम मूव करते हैं, पहले बी से स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं कि वी राइट डाउन द लूप इक्वेशन फॉर द लूप ए B A D B, starting from the point B, and we traverse the loop in the direction of current. जो current की direction है, हम loop को उस direction में traverse करते हैं, read करते हैं। अगर मैं सबसे पहले current की direction में move करूं, from A to B, B to A move करें, जब हम current की direction में आते हैं, the voltage change is taken as negative I1 R1।
इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की चेंज है, रेजिस्टेंस आर वन है, इससे गुजरने वाला करंट क्या है, आई वन। अब ये जो दूसरी पॉइंट पे ए पे पहुंच गया, हमने ए से डी पे जाना है। यहां से जो करंट आ रहा है, देखें करंट कौन सा है, आई थ्री। आई थ्री करंट यू जा रहा है, ये करंट आई थ्री, इस लूप के अंदर करंट आई थ्री है। तो यहां पे, यहां से हम जब ए से हम डी पे पहुंचते हैं, इस साइड से करंट कितना आ रहा है, आई वन। तो हम कहते हैं आई वन इज ग्रेटर देन आई थ्री, तो नेट करंट क्या होगा, आई वन माइनस आई थ्री, जो नेट फ्लो करेगा। अगर आई वन ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है हम जब यहां से यहां पे पहुंचेंगे, हम करंट की डायरेक्शन में आ गए। जब करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो वोल्टेज चेंज क्या आ जाएगी, नेगेटिव। कहां से, ए से लेकर डी तक करंट कितना है, करंट है हमारे पास आई वन माइनस आई थ्री, ये नेट करंट है, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है, आर थ्री। अब इसके बाद हम पॉइंट डी पे पहुंचे। अब हमने पॉइंट डी से मूव करना है पॉइंट बी पर, ये एक हमारी लूप जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होगा, एक लूप का। अब यहां से हमें देखिए ऊपर जा रहे हैं तो करंट कितना है, ये आई वन। जो इस साइड से करंट है वो कितना करंट है, इससे वो है हमारे पास ये आई टू। हम कहते हैं इस केस में हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं, इट मीन्स आई वन इज ग्रेटर देन आई टू। ऊपर जा रहे हैं तो आई वन लार्ज हो जाएगा, आई वन लेस। जब करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, वोल्टेज चेंज इज टेकन एज नेगेटिव, तो आई वन नेट करंट आर जी में से कितना है, आई वन माइनस इस साइड से करंट ये डाउनवर्ड आ रहा है, आई टू मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आर जी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं बोल देता हूं ये हमारे पास कोई इक्वेशन वन है फॉर द लूप वन। अगर मैं लूप सेकंड पे लिखूं, फॉर लूप सी बी डी सी, सी बी डी सी, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस जीरो होगा जब हम मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट सी टू बी। इस रेजिस्टर में से हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, हम भी उसी डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं। अब इस रेजिस्टर से जो करंट गुजरेगा आई टू, वोल्टेज ड्रॉप क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ माइनस आई टू आर टू। अब हम पॉइंट कहां पे पहुंच गए, बी पर। हम बी में से यूं डाउनवर्ड आ रहे हैं, नीचे बी से डी पे आ रहे हैं इधर से। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो देखें करंट इस साइड पे क्या होगा, आई टू। इस साइड से करंट क्या होगा, आई वन। नेट करंट कितना आ जाएगा, आई टू माइनस आई वन। अगर हम करंट की डायरेक्शन में यूं आते हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसको ले देते हैं माइनस, नेट करंट कितना है, आई टू माइनस आई वन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, आर जी। अब यहां से मूव करके हम यहां पे पहुंचे। अब हमने यहां से इधर जाना, इस साइड से करंट है आई टू, इस साइड से करंट है ये वाला करंट आई थ्री। अगर हम करंट की डायरेक्शन में, आई टू की डायरेक्शन में इधर जाना चाहते हैं, कि आई टू भी हम कहते हैं लार्ज है एज कंपेयर टू आई थ्री, तो नेट करंट क्या होगा, आई टू माइनस आई थ्री, जो रजिस्टर आर फोर से गुजरेगा। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो वोल्टेज चेंज इज टेकन एज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, आई टू माइनस आई फोर मल्टीप्लाइड बाई आर फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन टू है। तो हमने टू लूप्स का हमने एनालिसिस किया है, टू लूप्स के हमने लूप इक्वेशन लिखी है, एक हमने इस लूप वन के लिए बी ए डी बी, और दूसरा हमने लूप सी बी डी सी के। अब मैं कह देता हूं कि व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। जब भी हम रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं
हम ब्रिज को बैलेंस करते हैं। ब्रिज बैलेंस का मतलब है कि हमारे पास गलवानोमीटर के रास्ते से गुजरने वाला करंट क्या होगा, जीरो। ये गलवानोमीटर जो हमने यहाँ पे लगा रखा है, ये गलवानोमीटर अपनी रीडिंग जीरो देगा। हम उसको फोर रेजिस्टर R1, R2, R3, R4 हम चारों को एडजस्ट करते हैं सच दैट कि गलवानोमीटर अपने रेजिस्टेंस जीरो दे। जब गलवानोमीटर अपने रेजिस्टेंस जीरो देगा हम कहते हैं कि वो ब्रिज बैलेंस हो गया। गलवानोमीटर के रास्ते से कौन सा करंट गुजर रहा है, I1 - I2 भी गुजर रहा है, या हमने इसको I2 - I1 भी कहा है, दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट I1 = I2 = I। इसका मतलब है I1 भी हमारे पास, अगर इस I1 को उधर ले जाए तब भी I2 = I1, अगर इस I2 को उधर ले जाए तो तब भी I1 = I2। तो इसमें से जो करंट गुजरेंगे वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। I1 अपवर्ड है, I2 डाउनवर्ड है, कैंसिल करेंगे तो इससे गुजरने वाला नेट करंट क्या आ जाएगा, जीरो। अगर हम ये वाला फॉर्मूला इधर पुट कर दें, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, I1 की जगह आ जाते हैं हमारे पास I1 - I3, I1 की जगह क्या आ जाएगा I - I3 मल्टीप्लाइड बाई R3। I1 - I2 ये जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म अगर हम उधर ले जाएं तो नेगेटिव साइन के साथ I1 - I R1 इज इक्वल टू I - I3 मल्टीप्लाइड बाई R3, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 3। अगर मैं यही चीजें इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, इक्वेशन 2 में पुट करें तो क्या आ जाएगा, I2 की जगह भी I लगाना है, तो नेगेटिव साइन के साथ I2 - I1 = 0। ये दूसरी टर्म इसकी जीरो हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा I2 - I4, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, I2 - I4। तो माजरत के साथ यहां पे I4 नहीं है, यहां पे क्या है हमारे पास, ये I3, जो I3 यहां से गुजर रहा है, ये I3 I2 - I3 मल्टीप्लाइड बाई R4 लिखा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, I2 की जगह हमारे पास I- क्या आ जाएगा, I3 मल्टीप्लाइड बाई R4 इज इक्वल टू जीरो। अब इधर से भी हम लिख देते हैं हमारे पास ये -I R2, ये टर्म उस साइड पे जाके पॉजिटिव, I - I3 मल्टीप्लाइड बाई R4, ये इक्वेशन 4। अब हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 3/4 करें तो 3 हमारे पास क्या है, -I R1 यहां पे आ जाएगा, -I R2 इसके राइट साइड पे ये आ जाएगा, I - I3 मल्टीप्लाइड बाई R3 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, I - I3 मल्टीप्लाइड बाई R4। तो इसमें क्या बचेगा, यहां पे ये इससे कट जाएगा, R1 / R2 इज इक्वल टू, ये भी इससे कट जाएगा, R3 / R4। और ये हमारा क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, जब ब्रिज बैलेंस होती है तो R1 / R2 इज ऑलवेज इक्वल टू R3 / R4। तो यहां पे आप क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करके देखें, R1 / R4 इज इक्वल टू R3 / R2 / R3, यानी R1 और R4 का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू R2 / R3। जब हमने रेजिस्टेंस मालूम करने होते हैं फिर हम क्या करते हैं, हम इस R4 की जगह कोई एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
आर फोर की जगह हम यहाँ पे कोई एक अननोन रेजिस्टेंस या कोई वायर लगा देते हैं, हमने उस चीज की अब रेजिस्टेंस मालूम कर ली। अगर हम कहते हैं कि आर फोर की जगह इफ आर फोर इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा, आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहां से हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री। तो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं कि जब भी हम यहां पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, हमें रेजिस्टेंस एक अननोन एक्स लगा दी, उसको मालूम करना है, उसके बाद ब्रिज को बैलेंस करेंगे। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगी तो हम इन थ्री रेजिस्टर की मदद से आर वन आर टू और आर थ्री इनकी वैल्यू को यहां पे पुट करके हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मैं स्लाइड वायर ब्रिज का सर्किट बना देता हूँ। हम स्लाइड वायर ब्रिज के सर्किट में देखते हैं। अब इस सर्किट में ये हमारे पास उसका ए टर्मिनल है, ये हमने डी टर्मिनल लगा दिया है, वो हमने सी टर्मिनल लगा दिया। अब देखिए ए और डी के दरमियान हमने कौन सा रेजिस्टर लगा देना है, आर थ्री। हम यहाँ पे ए और डी के दरमियान यहाँ पे रेजिस्टर जोड़ देते हैं, ये हमारे पास आर थ्री। हमने डी और सी के दरमियान ये एक्स, ये हम यहाँ पे कोई वायर लगा देते हैं, ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस, इस वायर की रेजिस्टेंस हमने मालूम कर ली। इस वायर के रेजिस्टेंस ये हमारे पास क्या है, एक्स है, जो हमने आर फोर की जगह लगा दी। कोई यूरी का वायर यूज कर लेते हैं या किसी मटेरियल की वायर यूज करते हैं। हमने ए और सी के दरमियान क्या जोड़ना है, ए और सी के दरमियान हमने बैटरी जोड़नी। तो मैं यहाँ पे इस कनेक्शन ए, यहाँ पे की लगा देते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी। तो हम यूं ए और सी के दरमियान यहाँ पे ये बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी को क्लोज कर देते। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ए और बी के दरमियान यहां पे हम गलवानोमीटर लगाते हैं, ये डी, डी और बी के दरमियान गलवानोमीटर लगाना है। गलवानोमीटर के साथ मैं यहां पे इसको जोड़ देता हूं, ये जॉकी है। जॉकी हमारे पास यूं एक स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है, यूं ये इसको एरो शो किए, ये ऐसा कंटेक्ट है जो स्लाइड कर सकते हैं। ये वन मीटर का हमारे पास ये मीटर आ गए, इसके ऊपर यूं करके यहां से यहां तक ये स्लाइड करते हैं। हम इसको स्लाइड करवा के देखते हैं कि कहां पे जो गलवानोमीटर में रीडिंग जो होगी वो जीरो होगी। ये जो टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल को हम यहां पे ये कंटेक्ट होगा, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, बी। तो देखिए हमने बी और डी के दरमियान क्या लगा दिया, गलवानोमीटर। अब ए से बी तक जो रेजिस्टेंस है आर वन, आर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल वन, जो ए से बी तक ये लेंथ होगी। और बी से सी तक जो रेजिस्टर है, बी से लेकर यहां सी तक, ये रेजिस्टर आर टू, एंड आर टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल टू। तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगी देन हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर। आर फोर की जगह वहां पे हमने एक्स लगा दिया है, बी और सी के दरमियान में ये एक्स। तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री। ये हमने फार्मूला पढ़ा है। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हम आर टू की जगह क्या लगा देते हैं, लेंथ एल टू, आर वन की जगह लेंथ एल वन और आर थ्री की जगह ये। हम स्लाइडिंग कंटेक्ट, ये स्लाइडिंग कंटेक्ट ऐसा कंटेक्ट है जो मूव करता रहता है। हम इसको मूव करवा के जॉकी की मदद से, जॉकी एक छोटा सा डिवाइस है जो उस वायर के ऊपर मूव करेगा, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ये वायर होगी ए से सी तक। हम उस वायर के ऊपर मूव करवा के हम देखेंगे, यूं करके एक वायर होगी, हम वायर के ऊपर हम इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को मूव करवा रहे हैं। ये जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर मूव करेगा और ये इसका कौन सा टर्मिनल है, ये बनेगा बी। उधर से मीटर, इसके मीटर आर्ट पे उसकी रीडिंग को नोट करेंगे,
जहां पे गलवानोमीटर की रीडिंग जीरो होगी, ए से बी तक की जो उस वायर की लेंथ है वो एल वन, और बी से सी तक जो वायर की लेंथ है वो हमारे पास एल टू आर टू की जगह आ जाए। इन चीजों को यहाँ पे पुट करके हम प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम प्रैक्टिकली उसकी मदद से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये इसी प्रिंसिपल के तहत ये कैरी फर्स्ट ब्रिज काम करते हैं, इसी प्रिंसिपल के तहत ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम करते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की हमारे पास जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज, उसको भी हमने मुख्तसरन कुछ डिस्कस किया। आप इस टॉपिक को देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।